दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रही है। तमाम देशों के वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, अलग अलग शोध किए जा रहे हैं ताकि इस वायरस की जड़ तक पहुंचा जा सके। इस वायरस को लेकर कई बार कुछ चीज़ें भी सामने आई हैं। हाल ही में वायरस को लेकर एक नया दावा सामने आया है और लगभग 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने WHO को एक खत लिखकर इस बात की जानकारी दी है या ये कहें कि खतरे से आगाह किया है। वैज्ञानिकों ने WHO से कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण हवा में भी फैल सकता है, इसकी रिसर्च जल्द ही छपकर सभी के सामने आ सकती है। इतने बड़े दावे को लेकर WHO ने अभी कुछ भी साफ नहीं किया है और ना ही इस दावे को सही बताया है। WHO का कहना है कि पिछले 1-2 महीने में हम कहते रहे हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण हवा से फैल सकता है, लेकिन इसको कहने के पीछे कोई मजबूत और साफ सबूत नहीं है। अभी भी इस पर बहुत विवाद चल रहा है। इसके पहले WHO की एक वैज्ञानिक ने ये बताया है कि जोर से छींकने और खांसने पर हवा में एक बादल बनता है जिसे एरोसोल कहते हैं, और ये हवा में काफ़ी देर तक जिंदा रह सकता है जिससे कोरोना संक्रमण हवा में फैलने की आशंका जताई जा सकती है। हालांकि WHO ने अब तक अपने सारे दावे हो सकता है के साथ पेश किए हैं, किसी भी दावे को स्पष्ट रूप से अभी तक पेश नहीं किया है। आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि आप कपड़े से या घर में बने मास्क से अपना मुंह और नाक ढक सकते हैं ताकि इस वायरस से बच सकें। लेकिन हाल ही में जो इतने सारे वैज्ञानिकों ने दावा किया है, साथ ही WHO ने भी जो एरोसोल बादल के बनने की बात कही थी, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि सामान्य मास्क की जगह N95 और KN95 मास्क सभी के लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो आम आदमी हो या डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ जो कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगे हैं। अब तक सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की गई है कि बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, ये सभी नियम WHO द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के आधार पर ही सरकार ने जारी किए हैं। लेकिन अभी नया शोध और नया दावा, वो भी इतनी संख्या में वैज्ञानिकों और सरकार और WHO के सामने, लेकिन इतना बड़ा दावा, वो भी इतनी संख्या में वैज्ञानिकों का सरकार और WHO के आगे एक प्रश्न खड़ा करता है, ये जवाब ढूंढने का कि हवा में फैलने वाले संक्रमण से कैसे बचा जाए। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.